मॉर्निंग बड़ी। आज हम जो है फिर कंटिन्यू करते हैं इक्वेंट एंड क्रीज के टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और दिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो 3 मीन्स जीपी मीन्स जीपी इज नथिंग जीपी इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर हु फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो मीन्स ए इज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड ईच ऑफ स्टडी टर्म इज इक्वल टू द प्रोसीडिंग टर्म मल्टीपल बाई ए कॉन्स्टेंट। एक कॉन्स्टेंट से मल्टीपल करके जो है ये जो है सक्सेस के टर्म जो है रिसीव होती है। जैसे मान लिया फर्स्ट टर्म क्या है ए आर से मल्टीप्लाई करा ए आर फिर देन ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यू इन सच दैट टाइप वी हैव टू द कॉन्स्टेंट फैक्टर। जैसे दो जैसे इसे आर से मल्टीप्लाई करा फिर आर से इसे द कॉन्स्टेंट फैक्टर आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सीरीज द कॉन्स्टेंट फैक्टर कॉन्स्टेंट फैक्टर कॉल्ड इज रेशियो ऑफ सीरीज। द कॉन्स्टेंट फैक्टर कॉल्ड द रेशियो ऑफ द सीरीज इफ लेट ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इज आर देन सीरीज इज अप टू ए आर की पावर 4 ए आर की पावर एन माइनस 1 दिस सीरीज इज ए आर की पावर एन माइनस 1 इट मीन्स एन एथ टर्म इज इक्वल टू एन एथ टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 ए टी एन इज इक्वल टू ए एन एथ टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 इट मीन आर इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 आर इज इक्वल टू टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 आर की वैल्यू क्या आ गई टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 इट मीन द एनथ थ्योरम फ्रॉम द एंड एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन एनथ थ्योरम फ्रॉम द एंड एल अपॉन आर की पावर एन माइनस 1 ये जो है एक फॉर्मूला है जो इस्तेमाल कर लेंगे कहीं भी। ये तो nth टर्म का फॉर्मूला है a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट फैक्टर कॉल्ड द कॉमन रेशियो r r इक्वल टू क्या होता है टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 यानी इट मीन वी कैन से r इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू एन टी एन अपॉन टी एन माइनस 1 ये इस तरह के जो है ये सीरीज में एन हम दिखा सकते हैं। अब है इंक्रीजिंग एंड
आ गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग थ्री, क्या है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डीपी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डीपी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डीपी, इट मीन ये दो सीरीज दे रखी है, इफ ए आर ए इज ग्रेटर देन जीरो, आर इज ग्रेटर देन है, जीपी इज इंक्रीजिंग, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो की वैल्यू आर टू वन है तो डिक्रीजिंग आ जाएगा, इफ ए इज लेस देन जीरो, आर इज ग्रेटर देन वन, देन डिक्रीजिंग आ जाएगा, इफ ए इज लेस देन जीरो, आर की वैल्यू जीरो टू वन है, ये क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग, this series is called the increasing। ठीक है भाई, आगे है इफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स, बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस बी एक्स अपॉन सी माइनस बी एक्स, x नॉट इक्वल टू जीरो, देन a b c d विल बी इन विच सीरीज, किस सीरीज होंगे ए बी सी डी, अगर ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, ये किस सीरीज में होंगे, ये किस सीरीज में होंगे, तो मान लिया ये गिवन है ये ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स, सी प्लस बी एक्स
बिल्कुल भी लैम्डा है, क्या है ये, ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू लैम्डा है। अब ये लैम्डा के बराबर मान लिया, क्या दोनों प्रोबेबिलिटी लगा करके क्या लगा, जाके लैम्डा अपॉन वन, अब इसमें क्या लगा रहे, कंपेंडो एंड डिवेंडो, लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, इसे क्या करते हैं एक बार से एक माइनस घटा दे, एक बार से क्या कर दिया प्लस कर दिया, ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, ये क्या आ गया, ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन बी है बी आएगा टू ए इक्वल टू लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा प्लस वन, यहाँ क्या जाएगा ए से ए जाएगा, क्या जाएगा टू बी एक्स अपॉन टू ए इक्वल टू लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा प्लस वन, इस टू से टू जाएगा बी एक्स अपॉन ए इक्वल टू लेमडा माइनस ए अपॉन लेमडा प्लस वन, बी एक्स अपॉन ए इक्वल टू लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा अपॉन ए, बी ए इक्वल टू कहेगा बी अपॉन ए इक्वल टू लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा प्लस वन इंटू एक्स, एक्स को यहां लिख दिया तो क्या बी अपॉन ए इक्वल टू क्या लेमडा, सिमिलरली बी अपॉन ए तो यह आ गया, अगर ये अगर इन्हें दोनों को यहाँ से क्या जाएगा सी अपोन, यहाँ से क्या जाएगा सी अपोन बी, यहाँ से क्या जाएगा डी अपोन सी, डी अपोन सिमिलरली वी कैन सिमिलरली सिमिलरली वाई बी प्लस सी एक्स अपोन बी माइनस सी एक्स इक्वल टू लैम्डा, वी कैन से सी एक्स अपोन ए इक्वल टू लैम्डा माइनस वन अपोन लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स एंड सी एक्स अपॉन बी, सी एक्स अपॉन बी मीन सी ए अपॉन सी अपॉन ए सिमिलरली बाई दिस फ्रॉम दिस वी गेट बी अपॉन सी इक्वल टू विच मीन्स बाई इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन दैट इज सेकेंड इक्वेशन by third equation from the first and second and third b upon a is equal to c upon a is equal to b upon c, it means c square is equal to ad, it means c square upon it means b upon c, b square is equal to ac, hence it means that a b b c d and r, yahan se kya aayega b square is equal to ac, yahan se kya aayega c square is equal to bd, hence a b c d r, hence a b c d r in gp, theek hai, kis gp mein honge, kis gp c gp mein honge, dekho bhai ye hai isko barabar maine lambda maan liya, लेमडा मानिए फिर क्या लगा इसमें कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा दिया, इसको सोल्व करा ये आ गया एक्स को नीचे ला गया तो बी यानी क्या आ गया ये क्या गया बी अपॉन ए इक्वल टू लेमडा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये फ्रॉम दिस ये आ गया, इससे क्या आ जाएगा बी अपॉन सी एक्स इक्वल टू क्या गया सी अपॉन बी लेमडा माइनस वन अपॉन लेमडा प्लस ए, ये आ गया इससे क्या गया सी प्लस डी सी सी अपॉन डी क्या गया सी अपॉन डी अपॉन सी, ये आ गया इतने तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से जमीन की आर चेस इक्वल है तो लेफ्ट एन एच सी इक्वल होगी हैं ए बी सी डी आर इन जी पी, ए बी सी डी क्या होंगे जी पी में होंगे, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन क्या है ये? हाँ बी सी डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ई आर डिस्टिंक्ट ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ये किस तरह की है? सच दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस सी डी इंटू पी माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर कर लू देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। देन प्रूव दैट ए बी सी डी एंड पी आर एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी बी सी प्लस सी डी पी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन जीरो देन प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन जी पी। देखो ये क्या गिवन है, गिवन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी थ्री प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन टू। ये क्या आ गया है? इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं ये आ गया भाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर रखा ये रखा ए ए बी पी ए बी पी और बी स्क्वायर यहां रखा तो क्या ए बी माइनस पी का होल स्क्वायर क्या देगा ए बी ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर ये कहा ना ए स्क्वायर पी का होल स्क्वायर यहां क्या रखा माइनस टू ए बी पी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये रखा है ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह यहां बी पी बी इस तरह का पी बी पी प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली पी पी डी प्लस सी पी माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन जीरो इज लेस देन जीरो। सिंस वी हैव दिस इनइक्वालिटी विल बी लेस देन जीरो एंड इज द ए बी सी डी आर द रियल नंबर एंड द डिस्टिंक्ट रियल नंबर है
ये कब हो सकता है जब ये अलग अलग जीरो हो, जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये नंबर इज लेस देन जीरो व्हेन ए पी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ओनली सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्योंकि इसका स्क्वायर लेस देन जीरो कब हो सकता है, जब इसका जो है ये अलग अलग, यानी ए पी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, देन बी पी माइनस सी इज, इट मीन्स पी इक्वल टू बी अपॉन ए, बाई दिस पी बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, हेंस पी इक्वल टू सी अपॉन बी, इट मीन्स पी इक्वल टू डी अपॉन सी, इट मीन्स आ गया ये आ गया, इट मीन्स ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, हेंस बी स्क्वायर ए सी और सी स्क्वायर बी डी, हेंस ए बी सी डी आर इन जी पी, हेंस ए बी सी डी विल बी आर इन जी पी। देखो ये सवाल था, ये ए बी सी डी एग्जिस्टिंग रियल नंबर है, ये एक जी पी है, ये कोई इनिक्वालिटी है लेस देन जीरो, तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी जी पी में है। ये इसको जी कुछ लिख दिया ये, अब इसको ए पी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी पी आ रहा है यहाँ, तो सी स्क्वायर यहाँ से ले लिया ये, ए बी पी बी स्क्वायर यहाँ से ले लिया ये, तो इससे इसका स्क्वायर तीनों को मिला के आ गया ए पी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक, इसका जोड़ा बना के और इसका क्या बना दे बी पी माइनस सी स्क्वायर, फिर सी पी माइनस डी का स्क्वायर, इनकी इनक्वालिटी का सम लेस देन जीरो कब होगा, तो इट लीव मीन ओनली वन ओनली देन, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, जब ये जीरो होगा ए पी माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, पी इज इक्वल टू बी माइनस ए, देन सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, हैं ईच वैल्यू विल बी पी, देन द राइट वैल्यू विल बी टू द इक्वल, बी अपॉन ए सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, हैंस इट मीन इट शो दैट दैट अ क्लियर दैट द सीरीज विल बी टू इनटू जीपी। आगे बढ़े, हेयर आर फोर एन प्लस वन टर्म इन सर्टेन थिंग मीन्स, there are four n plus one terms in a certain sequence of which the first two n plus one term of which the four n plus one terms there are four n plus one in a certain sequence for which the four n plus one terms from which the 2n plus 1 terms from which the 2n plus 1 terms from an AP of common difference is 2, from which the common difference is 2 and the last 2n plus 1 term and last 2n plus 1 term are in JP,
and last 2n plus 1 term of GP of common ratio one by two if the middle term of both AP and GP are the same. If the AP and GP are the same, then find the midterm of the sequence. There are 4n plus n plus term of a certain sequence of which of the first 2n plus 1 term from an AP of common difference 2 and last 2n plus 1 GP are in GP of common difference in is 1 by 2. If the middle term and the if the terms of AP and middle term of GP are the same, then find the midterms of the sequence. Midterm of the sequence. The total terms kitni hai bhaiya? 4n plus 1. Total term kitni hai? 4n plus term. So, the middle terms kitna aa gaya bhaiya? Then, if 4n plus 1 total terms, n plus 1 by 2 kya jayega? Then, middle terms is 2n plus 1. 4n plus 2.2 kya hai 2n plus then middle term is equal to 2n plus 1 if there are 2n plus 1 terms if there are middle term is then the middle term is 2n plus 1 term then the middle term kaun si jayegi then T n plus 1 terms are in GP and T n plus 1 term are T n plus 1 term is 4n plus 1 term 2n plus 1 term kehmati from the common difference 2 and 2n plus 1 are GP. So, T n plus 1 term are kitna hoga GP? If T n plus 1
टर्म से क्या आ जाएगा, टी एन, अगर ए पी में है टी एन प्लस वन इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, वन से वन क्या आएगा ए प्लस एन डी, फोर ए पी के लिए आ गया। अब फोर जी पी के लिए क्या आ जाएगा, टी एन प्लस वन इक्वल टू ए आर, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए आर की पावर आर, इसमें भी आ रहा है के मान लो के एन की पावर एन माइनस वन, ए के एन की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन है, जब एन आता है तो एन माइनस वन, एन है तो क्या आएगा एन, ए के की पावर एन जी। देखो अब क्या है, यहां से यहां तक के सीरीज में देखो भाई, ए के की पावर एन माइनस वन, देखो अब यहां से यहां तक के, अगर इसकी सीरीज में यहां से यहां तक के, टू एन प्लस वन हो यहां, यहां यहां तक के टोटल टर्म्स कितने हैं टू, अच्छा ये सीए की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है तो टोटल टर्म डिफरेंस ऑफ जी पी इज द कॉमन रेशियो इज वन बाई टू, कॉमन रेशियो इज क्या है वन बाई टू, तो क्या आएगा ए ए के वन बाई टू की पावर एन, ए के वन बाई टू की पावर एन, जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी ए टू एन की, वही होगी क्या इसकी एनएथ टर्म होगी, क्या होगी इसकी जी टी, क्या होगी वो एनएथ टर्म होगी, क्या होगी इसकी जो इसकी जी टी थी, जो इसकी यहाँ जो है ना यहाँ देखिए, जो की यहाँ जो टर्म होगी तो इसकी क्या होगी उसकी फर्स्ट टर्म होगी, क्या होगी इसकी ए टी के बाद क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी, क्या होगी इसकी फर्स्ट टर्म, ये क्या आ जाएगा ए एन टी टू एन प्लस वन, टी टू एन प्लस वन इक्वल टू आएगा ए प्लस टू एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, डी डी की वैल्यू कितनी है जी पी की, जी पी कितनी वैल्यू होगी टू, तो ए प्लस टू एन मल्टीप्लाई टू ए प्लस फोर एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस फोर एन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस फोर एन वन बाई टू की पावर एन, यहां ए है इसे बड़ा ए कर लेंगे यार, यहां और दोनों की जो मिडिल टर्म है, दोनों के मिडिल टर्म है इक्वल है, दोनों मिडिल टर्म क्या है द एन मिडिल पॉइंट द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितने हैं, दोनों क्या होंगे ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, डी डी की वैल्यू कितनी है टू है तो टू एन, ए प्लस टू एन इक्वल टू ए प्लस फोर एन अपॉन टू की पावर एन, दोनों क्या होंगे ये इक्वल होंगे, क्या होंगे ए प्लस सिमिलरली वी हैव क्या होगा भाई ए प्लस टू एन इक्वल टू ए प्लस फोर एन अपॉन टू की पावर एन, यानी ए प्लस टू एन इक्वल टू ए की पावर फोर एन,
अच्छा अब यहां से टू और एन को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आएगा ये, ए टू की पावर एन प्लस एन टू की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए प्लस फोर एन। ए दोनों में कॉमन ले लिया, टू की पावर एन माइनस वन इक्वल टू फोर एन माइनस टू की पावर एन माइनस वन, फोर की पावर एन माइनस टू एन प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू क्या आ गया यहां से, सॉरी ए इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। हेंस द मिडटर्म ऑफ द सीरीज इज ए प्लस फोर एन, ए प्लस फोर एन कितना, ए प्लस फोर एन, ए प्लस एन माइनस इंटी इंटी डी फोर, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहां से रख देंगे, प्लस फोर एन इसकी वैल्यू जो है आंसर सोल्व कर देंगे, दैट इज कॉल्ड दैट इज वी गेट टू द आंसर, इसको सोल्व कर लेंगे और जो आएगा यही इसका आंसर देगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे जाएगा ठीक है ये, और ये इसका आंसर देंगे। आगे बात है देखो, अगर फोर एन प्लस वन मिड टर्म कितने आएंगे, टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टर्म सी एन प्लस वन वैसे होंगे, सी एन प्लस वन दो होंगे, तो टी एन प्लस वन क्या है, ए पी का यह आ गया और जी पी का यह आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई जो इसकी जो है एन प्लस वन टर्म होगी तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, रख दी यहां से और यहां से रख दी ए प्लस एन माइनस एन टी टी प्लस वन, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से क्या की वैल्यू आ गई आया आया ए आ गई, मिड टर्म क्या होगी ए प्लस फोर एन, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे और फिर फोर कर लेंगे, वी कैन गेट दिस आंसर। ठीक है भाई आगे बढ़े, क्या आगे भाई अभी थ्री नंबर थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन ए बी, पहले इफ ए बी सी आर इन टर्म्स और आर इन आर द आर इन टर्म्स इन जीपी, ये जीपी में देन बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन वी कैन सी ए बी इज द ज्योमेट्रिक मीन, देन बी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सी, बी इज का बी बी कॉल्ड
geometric mean ऑफ एपी, एपी का ज्योमेट्रिक मीन का ये गलत है, ये गलत है. एंड इफ इफ फ्रॉम एनी जीपी, इफ इन इफ एनी इन जीपी ए मल्टी ए कॉन्स्टेंट विल बी डिवाइडेड और मल्टीपल बाय एनी सीक्वेंस देन द रिजल्टेंट विल बी टू इन जीपी सीरीज. अगर कोई गिवन जीपी सीरीज है, एक कोई इसमें मल्टीपल डिवाइड कर दे फ्रॉम एनी कॉन्स्टेंट देन द रिजल्टेंट सीरीज विल बी ऑल्सो इन जीपी. भैया इट इफ इफ ईच टर्म ऑफ ए पी विल बी डिवाइडेड और विल बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाई और मल्टीपल बाई एनी कॉन्स्टेंट नंबर देन देन न्यू सीरीज न्यू रिजल्टेंट सीरीज न्यू रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन जीपी. तो न्यू जो सीरीज होगी वो भी जो रिजल्टेंट सीरीज होगी वो भी जो है क्या में होगी जीपी में होगी. दूसरा क्वेश्चन इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर इन जीपी देन ए की पावर एन ए की पावर टू एम ए की पावर थ्री एम ए एन की पावर एम विल ऑल्सो देन ए की पावर एन विल बी ऑल्सो इन जीपी. इफ देर आर टू जीपी इफ देर आर ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बी वन बी टू बी थ्री बी एन अप टू आर एन जी पी दो सीरीज है ये दो जीपी में देन ए वन बी वन देन ए वन बी वन ए टू बी टू ये भी क्या होंगे जीपी होंगे देन ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री अब टू फोन ए एन बी एन एंड वी कैन से ए वन अपॉन बी वन ए टू अपॉन बी टू इसका मतलब है कि इफ ए वन ए टू एन आर एन जी पी देन इफ ए वन ए टू आर एन जी पी ये दोनों क्या है जीपी में हो वी वन तो देयर कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन ऑल्सो इन जीपी. फिफ्थ
इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर इन जी पी, क्या के लिए पॉजिटिव टर्म्स, फॉर पॉजिटिव टर्म्स, क्या के लिए फॉर पॉजिटिव टर्म्स आर इन जे पी, इफ ए वन ए टू एन आर इन जे पी, देन लॉग ए वन लॉग ए टू लॉग ए थ्री लॉग ए एन विल ऑल्सो इन जीपी एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी यही होगा और ये भी जीपी में होंगे। ठीक है भाई, अब आगे और आगे क्या प्रॉपर्टी है, यानी ए बी सी आर टर्म है तो ये आ जाएगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ए, इस टर्म को विल बी मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड करके आई थिंक टर्म से द रिजल्टेंट सीरीज विल बी इन जीपी, इफ दो इफ ए वन ए टू आर इन जीपी देन इसकी पावर ये भी विल बी जीपी में फोर एम बिलोंग्स टू क्यू, एम बिलोंग्स टू क्यू, दो सीरीज है ये ए वन ए टू आर इन जीपी, ये भी जीपी में और ये भी जीपी में, देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिवाइडेड और मल्टीपल विल बी इन जीपी, इफ ए वन ए टू आर इन जीपी देन लॉग ए वन लॉग ए टू आर विल बी इन जीपी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इफ इन ए जीपी इन आर जीपी टर्म्स आर टेकन, टर्म्स आर टेकन इक्वल डिस्टेंस, terms in a GP, terms are taken equal distance, also form a GP, also form a GP, terms are taken equal distance form make an GP, for example, फॉर एग्जाम्पल इफ ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर इन जी पी देन ए वन एंड also are in JP. A1, A3, A and 5 are in JP. Then, ये भी in the general terms, A and in general terms in अगर ये terms हैं कि a n minus k a n plus k का whole square it means a n का whole square is equal to
ये इसके इक्वल के हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी अगर जो है ये भी जीपी में होंगे और ये भी इक्वल डिस्टेंस से जितने ले लेते हैं जैसे हमने एपी में पढ़ा था, वो भी जो है जीपी में होंगे। इफ यानी थ्री टर्म्स ऑफ जीपी किसका मानते हैं, थ्री टर्म्स ऑफ जीपी अगर मानना मुझे ए ए आर ए अपॉन आर एंड फोर्थ टर्म ऑफ जीपी फोर्थ टर्म ऑफ जीपी जीपी ए पोन आर क्यूब ए पोन आर ए आर ए आर क्यूब विल बी इन टू द जीपी। देखो भाई अगर थ्री टर्म ऑफ जीपी है ए पोन आर ए आर है और ये तीन टर्म्स है ए आर क्यूब ए आर ए पोन आर ए आर क्यूब, ये क्रम मान लेते हैं फोर टर्म जीपी के। अच्छा वैसे तो थ्री जीपी के मानते हैं, ये कब मानते हैं, ये जब मानते हैं अगर इनमें क्या हो मल्टीपल हो, इनमें क्या हो मल्टीपल हो, इन्हें जब मानते हैं अदरवाइज रहने देते हैं। ठीक है अब आगे पूछते हैं। फोर वाट में वैल्यू हो ए की पावर एन बी एन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन फोर वाट वैल्यू ऑफ एन एन का ये ज्योमेट्रिक मीन ये होगा फोर दिस व्हाट दिस वैल्यू। अच्छा इनका ए बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी, ए बी क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों क्या होंगे जब ज्योमेट्रिक मीन ये भी है ज्योमेट्रिक मीन है और ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे भाई इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो क्या आ जाएगा ए भी आ जाएगा, क्या जाएगा ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या जाएगा ये
इधर धर लिया है। पावर एन प्लस वन, एन पावर एन प्लस टू कॉमन ले लिया। अब एन प्लस टू कॉमन लिया क्या बचेगा? रूट ए क्या आएगा यहाँ जाएगा, यानी एन प्लस वन माइनस एन माइनस हाफ, तो क्या आएगा एन से जाएगा हाफ, एक ही ए रूट ए की और हाफ, यहाँ पे क्या आएगा रूट ए माइनस, सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा ये रूट बी। सिमिलरली वी कैन दिस कॉमन फ्रॉम दिस वी की पावर एन हाफ, वी की पावर एन हाफ, ये क्या आएगा रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, यहां पर क्या जाएगा ये रूट ए माइनस के रूट बी, ये इससे जो है ए थे ए की पावर एन प्लस टू इक्वल टू बी की पावर एन प्लस टू, क्या गया रूट से ए कैंसिल हो गया, ए की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू बी की पावर एन प्लस हाफ, दोनों में क्या कर लिया कंपेयर कर लेंगे। ये दोनों कब पॉसिबल है? जब ये दोनों ए की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू बी की पावर हाफ कब पॉसिबल है? इफ ओनली इफ देर आर एन प्लस टू एन प्लस हाफ will be equal to 0. Hence, n plus half will be equal to 0. n equal to minus half. n की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस के हाफ आ जाएगी वैल्यू। अब आगे क्या है? अगर देर आर इन नॉन जीरो नंबर ए बी देर आर के नॉन जीरो नंबर देर आर ए नॉन जीरो नंबर देर आर ए नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन ए पी देर आर ए नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन ए पी इंक्रीजिंग ए बाई वन इंक्रीजिंग ए बाई वन इंक्रीजिंग ए बाई वन और इंक्रीजिंग सी बाई टू
और इंक्रीजिंग सी बाई टू, इंक्रीजिंग ए बाई वन और इंक्रीजिंग सी बाई टू, द नंबर आर इन जीपी, द नंबर आर इन जीपी द नंबर आर इन जीपी फाइंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। देखो गिवन है ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, इफ ए बी सी, इफ ए बी सी आर इन एपी तो क्या जाएगा, ये टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इफ अगर गिवन है क्या, इफ ए इज इंक्रीजिंग वन एंड सी इक्वल टू द नंबर आर इन जीपी, इफ ए इज इंक्रीजिंग वन, ए बाई वन इंक्रीजिंग, ए बाई वन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस वन इंटू सी, इफ इंक्रीजिंग सी बाई टू, इफ इंक्रीजिंग बाई सी बाई टू देन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस टू। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड आ गई, ये क्या गई, ये अब इन दोनों को सोल्व कर लेता हूं, बी इन्हें दोनों को इक्वल रख लूंगा मैं, इन्हें दोनों को बाई थर्ड एंड बाई सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की क्वेश्चन में क्या ए प्लस पी इक्वल टू ए पी प्लस टू, ए पी प्लस टू ए, सी इक्वल टू टू ए, इट मीन्स दोनों क्या रहेगा, सी इक्वल टू टू ए। सिमिलरली इक्वेशन सी की वैल्यू कहाँ रख दूंगा मैं, यहां रख दू टू ए या यहां रख दू, बी सी की वैल्यू कहाँ रख दू टू ए बाई टू, टी इक्वल टू टू की वैल्यू ये रख के क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी प्लस सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया टू ए स्क्वायर प्लस टू ए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई टू ए स्क्वायर और अगर ए की वैल्यू यहां सी की वैल्यू टू ए रख दू क्या आ गया टू बी इक्वल टू बाई फर्स्ट ए प्लस टू ए, तो टू बी इक्वल टू थ्री ए, बी इक्वल टू थ्री बाई टू ए, बी वैल्यू क्या आ गई यहां से थ्री बाई टू ए, मान लिया फोर्थ आ गई थी, ये जो बी इक्वल टू थ्री बाई टू ए आया इसकी वैल्यू कहां रखते हैं, पुट कर दूं क्या कर दूं मैं, यहां पुट कर दूंगा मैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी,
तो क्या आएगी ये 3/2 का स्क्वायर आएगी 9/4a² इक्वल टू 2a² प्लस इसे क्या है 9 9a² सोल्व करेंगे 8 का आंसर दिया। देखो क्या है ये, इसका एक वैल्यू यहां से दोनों से आ जाएगी। यहां से बी की वैल्यू और सी की वैल्यू या यहां रख देंगे, या यस यहां से एक वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, एक वैल्यू की 8 आएगी, तो यहां क्या आएगी 8 इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 2 आएगी। ठीक है भाई, आई बात समझ। अब आगे है यह है, मान लिया अगर मान लिया AG and B are in VP में, देन वी कैन से V² इक्वल टू G upon A equal to V upon G इज इक्वल टू G² इक्वल टू AB एंड G इज इक्वल टू AB G equal to AB. G is the geometric mean of AB. Okay, insert of n geometric mean between A and B. Insert of n geometric mean between A and B. क्या है insert? Insert n geometric mean between A and B. इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी एन इंसर्ट कर देंगे मान लिया। मान लिया ए एंड बी के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया मैंने। देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम ए टू बी, ए आर टोटल टर्म्स कितने रहेंगे इसके अंदर, n+2 टोटल टर्म कितनी आ गई इसके अंदर, n+2 आ गई। और n+2 भी टर्म्स कितनी आएगी जीपी में है, तो a r की पावर n माइनस वन n+2 - 1 a r की पावर n प्लस 1 a r की पावर n प्लस 1। और ये कितने लास्ट टर्म है, n+2 की वैल्यू कितनी होगी, टर्म की वैल्यू कितनी है b, तो b आ गई है r की पावर n+1 इक्वल टू b/a, r = b/a^1 a+1 ये आ गई r = 1/b/a
टू पावर वन अपॉन ए प्लस ए। अब जीवन कितना आ गया, जीवन है ये सेकंड टर्म, जीवन कितना है ए ए आर, जीवन इज ए आर, जी टू इज ए आर स्क्वायर, ए तो फर्स्ट टर्म ए, आर की वैल्यू बी अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, ये कितनी आ गई इसकी वैल्यू ए बी अपॉन ए की पावर टू अपॉन एन प्लस वन, इस तरह की वैल्यू आ गई है। एंड जी एन अपॉन सिमिलरली ही कैन कैलकुलेट सच टाइप नंबर ऑफ हेयर द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, हेयर वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या आगे अगर हम क्या आगे क्या कर लें, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ए बी की पावर ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन ए बी की पावर ए बी एन प्लस वन बी की एन प्लस वन ए अब ए ए ए ए अब क्या है, ए की पावर एन, ए की पावर एन बी की पावर यहां क्या आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अप टू एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन तो ये क्या आ गया, ए की पावर बी की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन और बाहर आ गए एन प्लस वन, ये आ गया ए की पावर एन बी एन इंटू एन प्लस वन, क्या एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस वन, इन प्लस वन से एन प्लस वन जाएगा, क्या आएगा ए की पावर एन, ए की पावर एन बी अपॉन ए है ना, क्या आएगा ए की पावर एन बी की पावर ए की पावर एन बाई टू, ये क्या आएगा ए की पावर एन बाई टू बी की पावर एन बाई टू ए बी की पावर एन बाई टू, ये क्या आ गया ए बी की पावर एन बाई टू आ जाएगा। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीपी इज ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर एन बाई टू, क्या आ गया जी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर एन बाई टू, जी टू जी इक्वल टू क्या आएगा ए बी, जी और एन इक्वल टू क्या जी इक्वल टू ए बी, वेयर जी इक्वल टू इज इक्वल टू जी की पावर एन इज इक्वल टू क्या है जी की पावर एन, वेयर जी इक्वल टू ए बी का हाफ, ए बी का हाफ जितनी भी हो इसकी वैल्यू ये जी और एन इक्वल टू एन, वेयर
ये फिर आप निकाल लेंगे, ये इंसर्ट एम टर्म्स हो गए, ठीक है। ये टर्म्स एन थे, इसकी वैल्यू जो है ये निकाल लिए, जी वन जी टू जी थ्री इनका प्रोडक्ट हो गया, तो जी की पावर ए की पावर एन बाई टू, तो जी ये है जी इक्वल टू जी की पावर ए रूट ए बी, ठीक है भाई। आगे बात करो, आज ये लिखना ही, नेक्स्ट टर्म फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक, बेस्ट ऑफ लक।